नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों आप ऐसे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो कि आप सोचते तो हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कि क्या वर्ड्स है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो घंटी को दबाने वाली वीडियो के वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आसानी से बोलना हो लिखना हो तो जरूरी तो है ही शब्द कोश, पावर, वर्ड पावर, या कह सकते हैं वैकुबलरी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वीडियो नहीं मिलता है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और दोस्तों 1300 से अधिक वीडियोज़ हैं, ये संख्या बढ़ रही है अगर आप लेट से देख रहे हैं तो। चाहे रीडिंग करना हो, राइटिंग या स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। जी हाँ दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स है ना, वर्ड पावर। यहाँ पर इस स्लाइड में जो एक्चुअल वीडियो में आ से जो भी हिंदी के शब्द होंगे उसके अंग्रेजी क्या क्या होंगे वो कुछ है। जैसे आ से आंत, ठीक है, आ ही से है, अब चंद्रबिंदु पे ध्यान ना दें। अब ये देखिए वर्ड से इंटेस्टाइन, क्या वर्ड है, इंटेस्टाइन। फिर देखिए आ से आंधी, स्टॉर्म, स्टॉर्म। नेक्स्ट है आंसू, टीयर, आईना, मिरर। नेक्स्ट है आकर्षण, चार्म ना, अट्रैक्शन भी बोलते हैं आकर्षण को, अट्रैक्शन। उसके बाद आकस्मिक, जिनको हिंदी नहीं लिखने आता वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के जो शब्द हैं आप देखिए कैसे लिखते हैं, इंग्लिश से आप हिंदी सीखिए। जिनको हिंदी सीखना है वो इंग्लिश से हिंदी सीखें, जिनको इंग्लिश सीखना है वो हिंदी से इंग्लिश सीखें। तो दोनों तरह से फ़ायदा होने वाला है दोनों लोगों को। आकस्मिक, अनएक्सपेक्टेड, जिनको नहीं बोलने आ रहा है पढ़ने आ रहा है वो पढ़ना भी सीखें। आकांक्षा, एम्बिशन, एम्बिशन आकांक्षा। आकार, शेप, ऐसा साइज भी बोलते हैं, ठीक है, शेप। नेक्स्ट है आकाश, स्काई, आकाश होता है ना, स्काई। आक्रमण, आक्रमण, अटैक। नेक्स्ट है आक्रोश, एंगर। आखिर अल्टीमेट, आखिर, आखेट। हंटिंग, आख्यान। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है तो आग, फायर। आगंतुक, गेस्ट। आगमन, अराइवल। ये सब एयरपोर्ट पर आपको मिलता है इंग्लिश में लिखा हुआ, अराइवल, डिपार्चर, ये सब तो आप ध्यान रखना होगा। आगमन, अराइवल का स्पेलिंग भी। फोर्थ कमिंग, नेक्स्ट है आग्रह, रिक्वेस्ट, इसको अनुरोध भी बोलते हैं हिंदी में, अनुरोध, ठीक है। आज्ञाकारी, ओबीडियंट, 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 आज्ञाकारी। नेक्स्ट है सो आटा, फ्लावर, आटा, फ्लावर। आडंबर, डिस्प्ले, आडंबर। आतंक, टेरर। आईना, मिरर। आत्मगौरव, सेल्फ ग्लोरी। आत्मा क्या बोलते हैं, सोल, आत्मा को बोलते हैं सोल। आत्म समर्पण, सेल्फ सरेंडर, या सरेंडर वर्ड से भी ले लिया जाता है, समर्पण, आत्मसमर्पण, सरेंडर। आत्मीयता, इंटीमेसी, आत्मीयता। आत्मीय, कॉग्नेट, कॉग्नेट, और आदत को बोलते हैं हैबिट, हैबिट। नेक्स्ट है आदमी, ह्यूमन, या मैन भी, या ह्यूमंस का मतलब तो कभी 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 क्या, मनुष्य भी बोलते हैं, मानव भी बोलते हैं, और आदमी को मैन बोलेंगे, ह्यूमन एक ही बात है। आदर, रेस्पेक्ट। आदर्श, आइडियल, आइडियल। आदि, ओरिजिन, आदि का मतलब है पुरातन या प्रारंभ, या कह सकते हैं जन्म से रिलेटेड, ठीक है। आदिम, एबो, एब ओरिजिनल, आधा, हाफ। नेक्स्ट है आधार, बेस, आधार भूत, फंडामेंटल, फंडामेंटल। आधुनिक,
मॉडर्न आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। नेक्स्ट देखिए तो आनंद आनंदी आनंद। अब देखिए प्लेजर, इसके लिए बहुत सारे शब्द है, हर्ष उल्लास, कई वर्ड प्लेजर के लिए दे सकते हैं, लेकिन आनंद के लिए तो प्लेजर दे दीजिए, हैप्पी दे दीजिए, एक वर्ड आनंदित। चेयरफुल। नेक्स्ट देखिए आनुवंशिक इंटरनल आपदा डिजास्टर। नेक्स्ट है आपात इमरजेंसी आवंटन अलॉटमेंट। नेक्स्ट है आबादी हैबिटेशन में आबादी आभा एस्प्लेंडेड। नेक्स्ट देखिए आनंद फानन इन अ मोमेंट आभार ऑब्लीगेशन। नेक्स्ट है आभास हिंट आभूषण ज्वेल्स है ना, ज्वेलरी भी बोलते हैं। आमंत्रण इनविटेशन आमद है ना, यानी आमदनी, इसी से बना है आमद से ही, तो इनकमिंग। दोस्तों आमाशय स्टोमैक आय इनकम आयात इम्पोर्ट आयु एज है ना आयुक्त। देखिए कमिश्नर में COMMISSONER कमिश्नर आयोग को बोलते हैं कमीशन, बस एन के बाद जो है ER यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, अंतर ही है आयुक्त और आयोग में, कमीशन और कमिश्नर में, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों ये रहा आरक्षण रिजर्वेशन आर पार अक्रोस आरंभ बिगिनिंग आराधना वर्शिप आराम रेस्ट आरोग्य हेल्दी आरोप एलिगेशन आर्थिक फाइनेंशियल। नेक्स्ट है तो आलस क्या होगा लेजीनेस आलय हाउस विद्यालय नहीं बोलेंगे आलय मीन्स घर होता है, ठीक है आलय इसी से बना है विद्यालय, समझ सकते होंगे आप। आलिंगन एम्ब्रेस आलिंगन आलिशान ग्रैंड है ना, भव्य भी बोलते हैं। आलोचक क्रिटिक मीन्स आलोचक और आवभगत वेलकम या आप इसको स्वागत भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आवश्यक नेसेसरी आवागमन ट्रैफिक आवाज साउंड आवारा है ना बेगा बॉन्ड। नेक्स्ट है तो आवास रेसिडेंस आविष्कार इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। दोस्तों देखिए कितना तेज़ी से मैंने आपको बहुत सारे शब्दों को बताया और हर एक मतलब टोटल जो है 120 वर्ड्स तो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर हिंदी शब्दों से अंग्रेजी क्या क्या होंगे, तो आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत ही शुक्रिया। और दोस्तों इसी तरह सीखते जाएँ, हिंदी के शब्द भी सीखें, जिनको हिंदी नहीं आता वो हिंदी देखें, जिनको इंग्लिश नहीं आता वो इंग्लिश देखें, जरूरी है दोनों को फ़ायदा होने वाला। तो आवेदक एप्लीकेंट आवेदन अप्लाई आशंका, एक और जरूर ध्यान देना होगा फेयर डाउट मीन्स तो ऐसा डर होता है, ठीक है आशंका डाउट होगा इसका मतलब संदेह भी होता है ठीक है ना। आशीष मीन्स होता है ब्लेशिंग आशीर्वाद, आशीष से आशीर्वाद बन गया है। नेक्स्ट है तो आश्चर्य वंडर आश्चर्य आश्रम को बोलते हैं मॉनेस्ट्री आश्रम, ये खासकर बौद्ध मॉनेस्ट्री से रिलेटेड है, बौद्धों का होता है मॉनेस्ट्री और आश्रम को आश्रम ही लोग कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन मॉनेस्ट्री समझिए उसी तरह का है, बौद्ध से रिलेटेड है। आश्वासन एश्योरेंस
आस है ना, आस यानी कि उम्मीद, उम्मीद आस को बोलते हैं, उम्मीद भी बोलते हैं है ना, आशा ही बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन, आशक्ति, लस्ट, लस्ट मीन्स होता है आसक्ति, लस्ट, या कह सकते हैं कि इच्छा भी कह सकते हैं, थोड़ा सा सेंस इसका गलत है लेकिन वल्गर है लेकिन फिर भी लस्ट है ना। आसन, सीट। नेक्स्ट देखिए आहूत, कॉल्ड का आहूत मीन्स बुलाना, बुलावा। आस्था, फेथ, विश्वास, विश्वास भी कहते हैं ना, फेथ मीन्स विश्वास कहते हैं, विश्वास। आहिस्ता, स्लोली, आसरा, सपोर्ट। नेक्स्ट है आना, कम है ना, आवाज, साउंड। आईना, मिरर। आलू, पोटैटो। नेक्स्ट है तो आसमान, स्काई। आलंबन, आलंबन, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस अब इंडिपेंडेंस नहीं कहे, डिपेंडेंस मीन आलंबन। उसके बाद तो आ लंबन, असपोर्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ वर्ड्स जो कि आ से रिलेटेड थे, थोड़ा सा तेज़ी मैंने दिखाया ताकि आप जल्दी से बहुत कुछ जो है सीख जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर के साथ ही दोस्तों कमेंट करना नहीं भूले। कुछ नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और घंटी दबाए आने वाले वीडियो को, ताकि और भी इस तरह के वीडियो आप देख सकें नए चैनल को। और देखिए एक और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।